दशहरा है, असत्य पर सत्य की जीत का दिन। असत्य के प्रतीक रावण का भी दहन किया जाएगा। शाम तक अधिकांश पूजा पंडालों की मूर्तियां विसर्जित कर दी जाएगी। जहां मूर्तियां विसर्जित नहीं होगी, वहां भी आज से दिया बाती नहीं होगा, सिर्फ मेला रहेगा। कलश को आज सभी पंडालों में विसर्जित कर दिया गया। धनबाद में इस विसर्जन को बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया जाता है। शहर के पारंपरिक हरि मंदिर पूजा पंडाल में तो सिंदूर खेला होता है। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माता से सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। इसके लिए महिलाओं में काफी उत्साह होता है। सिंदूर खेला के बाद जुलूस की शक्ल में कलश को विसर्जन करने महिलाएं भी तालाब तक जाती हैं। ये दृश्य आंखों को बहुत भाती है। आज भी नाचती गाती महिलाएं जब सड़क पर चल रही थी तो वो दृश्य काफी मनमोहक था। बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं नाचती गाती चल रही थी। करने आए हैं पंपू तलाव में और ये हम लोग का हरि मंदिर की माँ की विसर्जन है। हम महिलाएं आज सिंदूर खेल के माँ को विसर्जन करने आए हैं और साथ हम लोग डांस भी खूब किए। सालों भर हम लोग का इसी का इंतजार रहता है, इसी धूम के लिए। बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय। इस बार बरसात ने भक्तों के साथ साथ दुकानदारों को भी परेशान किया। धनबाद के दुकानदार छोटे हों अथवा बड़े, जितनी पूंजी लगाए थे उसके हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिला। एक अनुमान के अनुसार 25 करोड़ या उससे अधिक नुकसान छोटे बड़े कारोबारियों को हुआ है। ठेला खोमचा लगाकर पैसा कमाने की उम्मीद पाले छोटे छोटे दुकानदारों की तो पूंजी भी डूब गई। अब उन्हें चिंता है कि महाजन को पैसा कैसे वापस करेंगे। इस बार धनबाद में पूजा पंडालों के निर्माण में विशेष तैयारी की गई थी। कई महीने पहले से ही पंडालों के आकार और थीम निर्धारित कर लिए गए थे। आयोजकों को भी भरोसा था कि इस बार पूजा में भीड़ काफी होगी। भीड़ घरों से निकली भी, लेकिन बारिश बीच बीच में खलल डालती रही। बारिश को छकाते और खुद को बचाते भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।